तो चलो अब अपन हंसी को जो शुरुआत करेंगे ना, तो नेचुरल है, एक ऐसी हंसी कि आप हंसते हैं और आप यदि खुश हो और मैं यदि टेंशन में बैठा हूं और इधर हंसी चालू हो गई, नेचुरल हंसी शुरू हो गई, हो गई, तो उसको देख के तुम भी नेचुरल ता में हंसने लग जाओ, तुम्हें भी मजा मजा आने लग जाए। नेचुरल नेचुरल हंसी लाओ अपने मन में। ये नेचुरल है, अपने आप आती है हंसी, देख देख के हंसी आती है, इसको बोलते हैं नेचुरल। अब आती है राम हंसी, कौन सी हंसी? आपने राम का फोटो देखा है, राम को देखा है, राम हंसी में देखा है एक स्माइल ऐसी, जैसे उनको फोटो देखो तो नमस्कार करने की इच्छा हो जाती, प्रणाम कर, आनंद और क्या अनुभूति होती, तो ऐसी मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पर रखो। कभी रास्ते में मैं मिल जाऊं ना, वो मुस्कान दिया करो, नहीं देखो क्या बोले तुम, तो गए काम से गया, उनको हमेशा चेहरे पर रखो, जब भी मिलो ये मुस्कान दो, राम हंसी, जरा से होंठ बंद करो, जरा से बोलो, चेहरे पर मुस्कान दो, ये फोटो निकल रहे आपसे सब देखो, चेहरे पर हंसी लाओ, मैं देख रहा हूँ कि कौन मुस्कुरा रहा है सही, और यही मुस्कान सबकी जान ले लेती है, ध्यान रखना आप यही मुस्कुरा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये है राम, अब इनके भक्त को हनुमान हंसी, अब हनुमान हंसी का लाभ क्या, महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी, जाने की जाने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी के कभी गाल अपने पिछके में देखे, जैसे टमाटर जैसे लाल लाल, और महिलाएं भी चाहती है टमाटर जैसे लाल लाल, है ना। तो हनुमान हंसी का फायदा ये है कि ये चेहरे का जो कालापन है आंखी को नीचे वो दूर होता है, और बुढ़ापे तक छुर्रिया नहीं पड़ती, ध्यान रखना है, तो इसको पूरी ताकत से हंसना है, तो कैसे हंसना है मैं एक बार करके बताता हूँ, और फिर आपको भी हंसना है, तो पूरे चेहरे पर रक्त का परिभ्रमण हो जाएगा, ये आप महसूस कर रहे हैं। आपके आंखों का नीचे का कालापन दूर करेगा, कभी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। अब आप ये सोचोगे कि सर ये हंसी तो बता रहा है पर करे कहाँ, घर में जाए, घर में जाए, बहू घर में आई और सही लगती हंसी आ रही, वो है इनके दुश्मन को रावण। ये रावण जो हंसी है ना, अहंकार भी हंसी की हंसना, रावण का क्या होता था, जब वो दरबार में बैठता था ना, जब कोई खुश खबर आती थी, ये जीत लिया वो जीत लिया, तो रावण दरबार से आते हुए गेट से हंसते हुए आता, तो समझ जाते कि आपको इनाम मिलने वाला है, रावण बहुत खुश है। तो वो हंसी एचीवमेंट की हंसी, कोई अचीवमेंट करा, दोनों हाथ ऐसे बनाओ कि अचीवमेंट कर लिया आपने, योग शुरू कर दिया, कर रहे हैं तो ये नाभि से लेकर सिर तक पूरे ये सारी एक्टिवेट कर देता है आपके बॉडी को। अब एक दूसरी हंसी, बड़ी आंख छोटी आंख, लीवर और पेन की हंसी, कौन सी हंसी, उसका नाम है गुदगुदी हंसी, कौन सी हंसी, गुदगुदी हंसी। अब गुदगुदी हंसी, अब वो कैसी हंसी है कि मनोज सर जी यहाँ पे बहुत बड़ा लेक्चर दे रहे हैं, बहुत साइलेंट लेक्चर है, अरे बहुत ज्ञान का लेक्चर है, जन गंभीर बात चल रही है और आपको हंसी आ गई, इतनी मुश्किल हो गई,
गंभीर बात बता रहे कि आप और हक देते तुम्हें क्या हो रहा है तो ये भी मालूम इंसल्ट हो सकती है। गंभीर बात चले और आप बिल्कुल सुन रहे और उसमें हंसी आ जाती, कभी कभी क्या होता है यहां से मन भटक जाता है तो कुछ चीज भी हंसी आ जाती और वो जब हंसी आती है आवाज बाहर नहीं आ रहा और हंसी जोर से आ रही है तो आपके सारे बड़े हाथ छोटे हाथ उनकी सब कुछ आप चलो आ जाओ आर्थराइटिस। ये जो अपन करते ना योग प्रक्रिया उंगली चलाना मुट्ठी चलाना ये आप दुधिया दुधिया एक ग्लास में दूध है उसमें शक्कर भी थी, दूसरा ग्लास खाली पड़ा है, अब आपको दूध मिलाना है और फिर पीना है क्यों बहुत बढ़िया बना है बहुत मीठा बना है तो एक बार देख लो आपको कैसे बनाना है कैसे पीना है। हाथ ऐसे रखना है और दूध को डालना जान फंसी हुई है हुई है इधर उधर देखा तो ये गर्दन की इधर इधर उधर देखना हट कपड़ा फंसी कैसी है गिनना है राक्षस या हाथ ऐसे लटकाना मैं करके बता रहा आपको यूं क्यों धीरे छोड़ना है और जैसे राक्षस हंसता है ना वैसे हंसते हुए राक्षस का वो बनाना आपको और जोर से हंसना देखो आप डराओगे तो आपका डर बिल आता है ना तो आप वो बिल देखते हो और अपने बीवी को ये देखते 12 बज गई दो दिन उसको क्या बोल दिया आप हाथ लाओ बाया हाथ लाओ उसको देखो और बताओ एक मिनट तो ये बिल आ गया अब देखो एक देखा होगा तो वो जब चलाता है तो पीछे 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 उसकी ताकत उसमें 100-116 गोली एक साथ निकल गई चलते वक्त नीचे। अब इस AK-47 को आपको गोली नहीं मारना है आपस में आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं हंसते हुए गोली लगाना राइट लेफ्ट ऊपर नीचे पीछे ऊपर दाएं बाएं पीछे वाले आगे वाले पीछे सबको मारना फिर आपको हंसा है वो आपको हंसा है वो आप जिसको देख वो आपको हंसा है आप उसको हंसा है पूरी लोग चलो शुरू
हंसी वही डेरा जमाती है या आपसी दूरी नहीं, बिल्कुल शांत सारे मनोभाव आपका छेद हो, सारे तनाव से आप मुक्त हो गए। अपनी श्वास को आने दो जाने दो, न प्रयास न प्रयत्न, न छोड़ना लेना, जैसे आ रही आने दो, जैसे जाने जाने। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लिया, दोनों भाव के बीच टिक्की बिंदी लगाते उसके पीछे आज्ञा चक्र, ये संकल्प शक्ति का केंद्र, यही से हमारी संकल्प शक्ति विकसित होती है। बगैर संकल्प शक्ति के कोई भी जीवन नहीं, जो हम ठानते हैं वही हम बन पाते हैं। तो हमेशा यहां ध्यान लगाया करो तो आपकी विल पावर बढ़ेगी, आप जो चाहोगे वैसे बन सकते करें, अंदर अंदर पानी करें, ओले बंद करें, पूरी ताकत से आंखों को अंधेरे में, गाल खुला, भूमि को नमस्कार करें, हरिओम।